महात्मा गांधी ने अपने जीवन में अनेक बार नफरत का सामना किया। यह बात हम सब जानते हैं कि राष्ट्रपिता ने हमें चरखे के द्वारा आर्थिक आजादी दिलवाई, लेकिन लोगों ने इसका गलत अर्थ लगा रखा है। यहां तक कहा जाने लगा था कि महात्मा गांधी मरेंगे तो चरखा भी उनके साथ में जला दिया जाएगा। इतनी नफरत महात्मा गांधी ने इसके बारे में स्वयं लिखा है। किसी ने तो कहा भी है कि मेरे मरने के बाद मेरे चरखे को 2 कोड़ी में भी कोई नहीं पूछेगा और उसकी चीता बनाकर मैं जलाया जाऊंगा। फिर भी चरखे पर मेरी जो श्रद्धा है वो विचलित नहीं हुई है। मैं तो नहीं मानता कि मैंने देश के सामने कोई अंतिम वस्तु रखी हो। महात्मा गांधी देश की आजादी के लिए चलाए आंदोलन में अपनी बहुत स्पष्ट सोच रखते थे। लाखों करोड़ों लोग उनके अनुयायी थे, उनके एक निर्देश पर जान निछावर करने के लिए भी तैयार थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो उनसे नफरत करते थे। उनकी नफरत का कारण यह भी हो सकता है कि वे अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजों के पिट्ठू थे, उनके लिए काम करते थे, या जो लोग चरखा चलाते हैं या उस समय चलाते थे और जिनका रोजगार आमदनी चरखे के कारण बढ़ रही थी उनके प्रति नफरत रखते थे। अनेक कारण हो सकते हैं नफरत के, लेकिन यह कहना कि महात्मा गांधी का निधन होगा तो चरखा भी उनके साथ में जला दिया जाएगा, यह बड़ा विचित्र बात है, नफरत भरी बात है। हम यह भी जानते हैं कि महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता निवारण के लिए बहुत काम किया। 10 साल अपने जीवन की लगा दिए। इसके लिए उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा, बहुत बुरी बातें सुननी भी पड़ी, लेकिन उन्होंने सब कुछ होते हुए भी अस्पृश्यता निवारण के लिए गंभीरता से प्रयास किए। हो सकता है इसके कारण भी उनके प्रति लोगों में नफरत का भाव रहा हो। चरखा देश के हित में था। चरखे के कारण ही अंग्रेजों की मिलें बंद होने लग गई थी, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार होने लग गया था, विदेशी वस्त्रों को जलाया जाने लगा था। चरखे ने हमारे देश में एक अलग जगह, लोगों के अंदर यह भाव जगाया कि हम आजादी प्राप्त कर सकते हैं, और यह एक ऐसा मार्ग बना, एक ऐसा माध्यम बना जिसने हमें आजादी दिलवाई।